आज JNU 2008 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमने वेक्टर चुना हुआ है, जैसा कि निमसेट की सीरीज हम लोगों ने डाली थी, बारी बारी से ईयर बाय ईयर हमने टॉपिक भी और ईयर को भी ध्यान रखा था। ऐसे ही हम लोग JNU के पेपर्स के क्वेश्चंस को बारी बारी से और ईयर वाइज डाल रहे हैं। पहला पार्ट एक अपलोड किया गया 2006 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया गया था, आज 2008 के आसपास के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। जो आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, मुझे याद है कि 2008 के निमसेट के पेपर का एनालिसिस जो वेक्टर का किया था, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, तो यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अभी हमने बहुत ही कम यानी 5-6 ही वीडियो बनाए हैं, उनमें से ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बोला ही था उस समय भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रियल में इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेप्स आपके सामने पहले से डिस्कस कर लिए जिससे कि हमारा टाइम सेव हो। ये क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन किया था कि जैसा कि फॉर्मूला में याद होता है, हम आपको फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर और मॉड ऑफ सी स्क्वायर और 2a.b, b.c और c.a। तो जैसा कि डेटा दिया गया है, डेटा ये दिया गया, आप ध्यान दें डेटा दिया गया, तो इनिशियली लेवल पे हमें लगता है कि ये फार्मूला लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है, ऐसा लगता है कि ये लगेगा। तो आप ये लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल और सी और ए के बीच के एंगल को भी जरूरत पड़ेगी। करते क्या है, जिनके बीच का भी एंगल निकालना हो, जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो, बी और सी के बीच का एंगल भी निकालना जा सकता है और सी और ए के बीच का, तो हमने क्या किया, जिसके बीच का एंगल निकालना है उसको इधर रखा और बाकी इधर ले गए, दोनों तरफ मॉड ले लिया, स्क्वायर कर दिया। इसका फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये फार्मूला आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आया, तो यही थीटा ही एंगल है ए और बी के बीच का। अगर बी और सी लेते तो बी और सी के बीच का एंगल आता, तो अभी हमारा पूछा गया है ए और बी। ये सारे स्टेप आपके सामने किए गए हैं, अब देखो लास्ट स्टेप आपके सामने कर रहे हैं जिससे कि फाइनली आप आंसर समझ पाएं। यहाँ पर 15 देखो बचेगा और 2 × 15 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 60 डिग्री दैट इज π/3, तो ऑप्शन π/3 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस इतना से इसका सोल्यूशन देख लें और लगभग आंसर रट डालें या कॉन्सेप्ट को सी जरूर लें, क्योंकि वेक्टर में मोस्ट फ्रेंकली आस्किंग क्वेश्चन ये है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकली दिखाया है कि ट्राइंगल ए बी सी लिया गया है, ए बी को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है, ये जो वेक्टर दिया गया है, और ए सी को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। उसने बोला कि ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वेक्टर्स को साइड्स वेक्टर यहाँ पे दिया गया है। अब वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो एंगल ट्राइंगल के एंगल 3 है, उनमें से ये वाला एंगल हम लोग निकालेंगे, वही उसी का आंसर मैच कराना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइन करता है। सीधे सीधे इसके बाद आंसर आपके सामने होगा, केवल ए डॉट बी करना है और मॉड ए मॉड बी, देखते हैं कैसे करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस की सूरत कुछ और लगती है और कहने का मतलब सीरत कुछ और होती है, तो ऐसे क्वेश्चन ही है कि कहने का मतलब मजाक हो गया। जैसे ही आपने फार्मूला लगाया ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, देखे मजाक क्या हो गया, ए डॉट बी जैसे ही निकाला आपने, तो यहाँ पर देखिए 12 − 6 और −6, तो 12 − 12 क्या हो गया 0, और जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो पता होगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री π/2 जो भी बोलते हैं, नन ऑफ दीज में यहाँ पे आंसर चला जाएगा π/2। ए डॉट बी जैसे ही 0 हुआ, ए परपेंडिकुलर टू बी, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो एंगल निकालने से पहले क्या करिए, स्मार्ट वर्क है कि आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब क्या हुआ, आपने डॉट भी निकाला मॉड ए निकाला मॉड भी निकाला, काफ़ी सारे कैलकुलेशन किया, फिर एंगल निकाला, तो समय ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में आंसर्स को इवेल्यूएट करेंगे। कुछ चीज़ें हमने अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट की हैं, क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ लेते हैं। वैल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बताएंगे कि क्या होता है, हुज वर्टाइसिस का पोजिशन वैक्टर्स के पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर्स दिए गए हैं, वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी एंड वैक्टर डी, उसका वैल्यूम क्या दिया गया, 11 क्यूबिक यूनिट्स। देन लेमडा जो इस वाली
इस वाले पोजिशन वेक्टर में जो लैम्डा अननोन हमने यूज़ किया है उस लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन होता क्या है, ज्योमेट्रिकली फिगर क्या है, देखिए यहाँ पर हमने ओ ए बी और डी एक ज्योमेट्रिकली फिगर लिया है, 3D फिगर है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा हम इसको आपको थोड़ा सा फील कराएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ए ओ ए डी एक हमारी फेस ऐसी है, एक फेस हमारी ओ डी बी है ऐसी है, एक फेस पीछे है, मतलब दो फेस देखिए ऐसे हैं जो आपको दिख रही हैं, एक ये और एक फेस हमारी ये पीछे जो बैक साइड में है, तो तीसरी हो गई, एक नीचे, तो इसकी टेट्रा मीन्स चार हेड्रॉन, चार फेसेस हैं, एक दो तली में जो ये हमने मार्कर से बनाया, तो तली में जैसे यहाँ रखा है, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस जो बैक साइड में है, तो चार फेसेस हुई। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर इन एजेस को जो कोटर्नस एजेस तीन है वो दी गई हो, तो 1/6 वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 कर देते हैं तो वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकल जाता है। ये बेसिक है वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन से रिलेटेड जो डेटा दिया है उसका थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पॉइंट्स जो ए बी सी डी लिए गए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स इस तरीके से पॉइंट नहीं दर्शाए गए, यहाँ ओ ए डी बी लिया गया है, यहाँ पर हमने चार पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी डी, उनके पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी कंसीडर कर लिए हैं, जो कि सिंपल क्वेश्चन में ऑर्डर से दिए गए हैं, उन ऑर्डर से क्वेश्चन जो पॉइंट्स दिए गए उन पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स फॉर्म में दिखाया है। अब देखिए हमने ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी हमने पहले ही बताया था, ऐसे बहुत सारे हमने सेशन लिए हैं, वेक्टर्स के बहुत सारे वीडियोस बनाए जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइप्ड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बारे में डिस्कस किया, तो हमने बताया कभी भी चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हों, कोप्लैनरिटी में भी ये बात बहुत ज़्यादा बताई थी, चार पॉइंट्स कभी दिए गए हों तो आप चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ऐसे मानेंगे और हमेशा एक को फिक्स करेंगे, एक को फिक्स करेंगे ए बी ए सी और ए डी या बी ए बी सी और बी डी, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आगे की बात आगे करते हैं, नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे, वहां पर क्वेश्चन पे फोकस हो गए, क्वेश्चन कैसे लगा है, आंसर कैसे निकालेंगे वो आगे आने वाला है। देखिए आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हमने ए बी और ए सी और ए डी जो माने थे उनको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मान लिया, जैसा कि यहाँ वॉल्यूम दिखाया गया है कि 1/6 वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया ही गया है कि आप पहले रो में पहले वेक्टर्स के कोफिशियंट, फिर दूसरे रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशियंट और तीसरे रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशियंट रख देंगे और 1/6। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो वैल्यूम कितना दिया गया, 11 क्यूबिक यूनिट। आप जब भी वैल्यूम 11 क्यूबिक यूनिट देते हैं तो वैल्यूम और एरिया हमेशा पॉजिटिव यूनिट है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब भी ये आए होंगे तो एक बात ध्यान रखें कि वैल्यूम जो आया होगा तो कभी कभी वैल्यूम -11 भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आया होगा, या 11 कहने का मतलब पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, मगर जब भी वैल्यूम लेंगे तो हमेशा -11 है फॉर्मूले से आया तो 11 ले लेते हैं, और 11 आया तो 11 लेंगे ही, तो जब दिया गया है तो उसको जब फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम देखो प्लस माइनस दिखाया है, कहने का मतलब इस डिटरमिनेंट ने अगर 11 दिया गया होगा तब भी 11 लेंगे, और अगर -11 आया होगा तब भी +11 लेंगे, तो माइनस प्लस जो भी आया होगा प्लस ही लिया गया होगा, तो जब इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हमें ये नहीं पता है कि प्लस से आया है माइनस से, तो इसलिए प्लस माइनस लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर के हमने बोला कि कुछ क्वेश्चंस अगर आप 50 के सराउंडिंग में क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस देते करते रहेंगे, तो वेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ढूंढ लीजिए, लगा लीजिए, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हमने डिटरमिनेंट डिस्कस किया है और नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, लेंदी था, एनालिसिस करी जाए तो मैं चाहता था ये क्वेश्चन को हटा सकता था क्योंकि लेंदी हो गया, हो सकता है कि आप बोर हो गए, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि अभी यहाँ तक आए ना हो, जो यहाँ तक तीसरे स्टेप तक पहुँचे हैं उनको एक बात इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं कि एक चीज़ जब भी ऐसी चीज़ घटती है तो ये बहुत ज़्यादा होता है प्रैक्टिकली। देखिए इस प्लस माइनस को जब लिया है हमने, या प्लस और माइनस लिया है, तो जब देखो प्लस और माइनस का मतलब होता है कि प्लस या माइनस, तो आपने जब यहाँ प्लस लिया तो प्लस से देखो आंसर निकाला तो कितना आया, 7। अभी तक हमने ऑप्शन की डिस्कशन नहीं की थी, ऑप्शन को हमने हर बार वैसे उधर रखते हैं, इस बार यहाँ रखा। देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी 7 है, -7 है, ठीक। अब आप अगर शुरुआती लेवल पे हैं तो आप जान रहे हैं कि वहाँ 11 दिया गया, तो 11 यूज़ करते, तो 11 यूज़ करते तो यहाँ पे 66 आ जाता, 66 आता तो आंसर कितना आ जाता, 7। तो आपको यह लगता कि -7 हो सकता है आंसर हो,
या आप नन ऑफ दीज मार दें, टिक करना, मारने का मतलब टिक कर देना, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, माइनस लिया तो माइनस 66 आया, आंसर कितना निकल के आया, 1। क्या लैम्डा की वैल्यू यहां बन दी गई है? हाँ दी गई है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन को अगर करते तो बहुत कम चांसेस थे एग्जाम में आप प्लस और माइनस को ध्यान रखें, और ज्यादातर अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जब आप हमेशा नेचुरली प्लस लेके करते हैं, मगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमेशा वो माइनस लेके ही आंसर निकालते हैं। तो जब भी प्लस माइनस वाली बात आए तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, कॉन्सेप्चुअली यहां पर दो आंसर क्रिएट करते हैं, ऑप्शन में चालाकी से एक आंसर रख देते हैं जो आंसर आपका मैच नहीं खाता, जैसे यहां पर 1 वैल्यू आप नहीं निकालते और माइनस 7 की जगह 7 निकालते तो या तो आप लगता कि आपको मिसप्रिंट है या नन ऑफ दीज मार देते तो आपका आंसर क्वेश्चन गलत हो सकता था, कहने का मतलब गलत कर सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। तो इतना जैसे मैं एक्साइटेड हूं, आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए आपने जैसा देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही थी, सीरीज का मतलब कि पहले हम लोग एक टॉपिक उठा रहे थे उसको पार्ट वाइज एक एक करके इतना से वीडियोस को डाल रहे थे, बीच में हमने उसको थोड़ा रोका है और निमसेट और जेएनयू के पेपर की एनालिसिस को शुरू किया है। तो कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कोई ऐसी बात का प्रेफरेंस देते हैं तो मुझे लगता है कि वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, मगर ये बात तब पता चल पाएगी जब आप उधर बैठे जिसके लिए चीज़ बनाई जा रही है उसको कौन सी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, वो टॉपिक जो चल रहे हैं धीमे धीमे एक एक करके सारी सीरीज डाली जा रही वो, या पेपर्स की एनालिसिस, या आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को किसी तरीके से साथ में चलाया जाए, तो इसका तभी मैं समझ पाऊंगा कंक्लूजन जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे। तो ये वाला सीरीज देखें, अभी हमने क्या किया है कि जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं या जेएनयू के दोनों पार्ट अपलोड किए हैं, तीन क्वेश्चंस दिए हैं, तीन क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चंस बाकी में आपको अच्छे लग रहे हैं, लेंथ बढ़ाई जाए, तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। केवल और केवल ट्रायल, कहते हैं ना कि किसी चीज़ का डेमो, तो आप जब भी कोचिंग आते हैं तो हमारा डेमो लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे ही आपका डेमो ले रहे हैं कि आप बताइए कि आप 5 क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं हर वीडियो में कि 3 की करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, या अभी आप टॉपिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, टॉपिक्स को भी बढ़ाया जाए और निमसेट या जेन्यू एनालिसिस भी बढ़ाई जाए या किसी एक चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाए, जो भी आपको चाहते हैं, जो भी आपका डिमांड है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ते हैं उनसे मुझे बिल्कुल आशा है कि वो लोग जरूर फीडबैक देंगे, वो फीडबैक दें, लिखें प्रॉपर वहाँ पे बताएं और उसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारा मोरल भी आप बूस्टअप करते रहें और अपने आप को भी एनर्जी एकदम फुल एनर्जी के साथ लगे रहें, क्योंकि इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, आपको ये फुल यूटिलाइज करना एकदम बिल्कुल फुल, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैंक यू।